Students, now we are going to discuss the poem of your 8th unit of your English book, Beehive, On Killing a Tree. On Killing a Tree is a very sensitive poem. It's written on a very sensitive topic of killing or uprooting a tree. And it is written by Geef Patel. Here the poet has conceptualized the importance of demoralizing a person who has a lot of courage in himself or herself. Okay, so it majorly relates to a person who is determined to achieve something and how that person can be disillusioned from his aim. Okay, जैसे कि आपने 8th यूनिट के फर्स्ट टू पार्ट्स में पढ़ा है, संतोष यादव की स्टोरी थी या चाहे मारिया शरापोवा की स्टोरी थी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी अपनी लाइफ में, बट दे डिड नॉट डिटर बिकॉज ऑफ द ऑब्स्टिकल्स दे फेस्ड. वो आगे बढ़ती रही हमेशा और परेशानियों से जूझती रही. उन्होंने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया. सो उनकी पर्सनैलिटी में डिटर्मिनेशन था, उनको बहुत ही जल्दी हराया नहीं जा सकता था. ठीक यही चीज जो है इस फॉर्म में भी, यही चीज इस फॉर्म का थीम है. ओके, ऑन किलिंग अ ट्री. जैसे आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज, बट कैन दे किल अ ट्री? इज इट इजी टू डू सो? अब आपने लोगों को देखा होगा पेड़ों को काटते हुए, बट क्या किसी पेड़ को जो है मार सकते हैं, या क्या ये काम आसान है करना? तो हम यही चीज इस पोम में डिस्कस करेंगे. टेक अ लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous height, sprouting leaves. Okay, so first stanza mein poet bata raha hai ki tree grow kis tarah se karta hai, wo banta kaise. Aap koi bhi chhota sa sapling, chhota sa plant laake lagate hain, wo tree ke form mein kab banta hai proper? Jab use bahut zyada kai saalon tak लग जाते हैं उसे प्रॉपर एक ट्री बनने में, एक छोटे से प्लांट को. और वो किस तरह से बनता है, वो प्रोसेस यहाँ पे बताया जा रहा है. तो कह रहे हैं, अगर आप मारना चाहते हो एक ट्री को, तो एक सिर्फ चाकू के प्रहार से, एक बार उस पे चाकू मार देने से ट्री नहीं जो है मर जाएगा. इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. कंज्यूमिंग द अर्थ मीन्स टेकिंग प्लेस फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, अर्थ को कंज्यूम करते हुए बना है, अपनी जगह बनाते हुए बना है धरती के अंदर. Rising out of it, उसी में से उठा है. पहले उसने धरती में अपनी जगह बनाई है. अब ट्री को लगाते हैं, क्या होता है, हम कहते हैं ना, जड़ें जगह पकड़ लें. ठीक है, सो रूट्स जो होती हैं वो फैल जाती हैं. रूट्स जब फैलेंगी अर्थ के अंदर, उसके क्रस्ट में, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट मीन्स उसके क्रस्ट से वो ऑब्जॉर्ब करता है अपने लिए वाटर, ऑब्जॉर्ब करता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से, कंज्यूम करता है, तो फीड करता है मीन्स लेता है वो उसके क्रस्ट से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स. सो कंज्यूमिंग द अर्थ मीन्स अर्थ में अपनी जगह बनाना. राइजिंग आउट ऑफ मी इट मीन्स अर्थ में से ही बढ़ना. एंड फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट का मतलब है कि उसके क्रस्ट में से जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लेता है, मीन्स इट ट्री को बढ़ने के लिए पहले वो अपना स्थान बनाता है, धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश करता है, और उस प्रोसेस में वो जो है अपना भोजन ग्रहण करता रहता है उन्हीं जड़ों के थ्रू, उस धरती की क्रस्ट में से. Absorbing years of sunlight, air, water. कई सालों तक वो sunlight, ठीक है, धूप, air, water, ये सब consume करता है. Photosynthesis का process आप सभी को पता है. So वही photosynthesis का process follow करता है. And out of its leprous hide, ठीक है, leprous hide means something that is very blackish, very dark in color. Leprosy वैसे disease होती है, उस disease से relate करके किया गया कि यहाँ पे एक color, एक शेड टाइप बताया गया है कि जब आप ट्री देखते हैं तो एक अजीब सा उसमें डार्किश सा कलर आ जाता है, डार्क टोन का, और उसी में से धीरे धीरे छोटे छोटे लीव्स निकल के आते हैं. ठीक है, इफ देयर इज एनी सच ट्री जिसमें कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रंक है, तो उसमें से इसी तरह से वो ग्रो करता है. पहले धीरे धीरे थोड़े थोड़े जो है लीव्स छोटे छोटे स्प्राउट होने शुरू होते हैं, जैसे अंकुर फूटते हैं नॉर्मल किसी दालों में से, उसी तरह से लीव्स भी जो है उस ट्रंक से बाहर धीरे धीरे निकल करके आते हैं. सो द फर्स्ट पैराग्राफ इज मेजरली अबाउट हाउ अ ट्री इज ग्रोन, हाउ इट ग्रोज. ओके,
नाउ इन द सेकेंड पैराग्राफ द पोएट डिस्कसेस कि उसको किस तरह से हम काट सकते हैं और किस तरह से वो नहीं कटता, किस प्रोसेस से नहीं कटता. सो अब वो यहाँ कहता है, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, मिनिएचर बोज व्हिच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्म अ साइज. तो क्या है हैक? हैक मीन्स जोर से मारना, प्रहार करना, एंड चॉप, चॉप मीन्स काटना. ठीक है, आप कुल्हाड़ी से प्रहार करो, एग से प्रहार करो, किसी भी चीज से आप उसे सॉ से जो है कट करने की कोशिश करो. आप अगर उस पर जोर से प्रहार करोगे क्या होता है, वो एक बार में नहीं कटता. ठीक है, बट सिर्फ इससे वो नहीं होगा, नॉट सो मच पेन विल डू इट, क्योंकि अगर कई लोग आप देखते हैं कि उसके ट्रंक को जो है खत्म कर देते हैं, काट देते हैं, बट फिर भी उस ट्रंक में से भी जो है धीरे धीरे लीव्स निकलने शुरू हो जाते हैं. सो यहाँ पे वही बात पोएट कह रहा है कि अगर आप उसे काट भी देंगे सिर्फ इससे भी काम नहीं होगा, नॉट सो मच पेन विल डू इट, यानी कि अगर आप उसे इतनी पेन भी देंगे उससे भी आपका काम नहीं बनेगा. द ब्लीडिंग बार्क विल हील, ब्लीडिंग बार्क रेफर किया जा रहा है जो सैप निकलता है, एक छोटा सा लिक्विड ही सब्सटेंस होता है निकलता है अगर ट्रंक को काट दिया जाता है. ठीक है, अगर आप ब्रांच देखोगे कई ट्रीज की तोड़ के तो उसके बीच में से एक हल्का सा लिक्विड ही सा सब्सटेंस निकलता है, इसको ब्लीडिंग बार्क वो कह रहा है कि जिस तरह से खून बहता है उस तरह से शो कर रहा है कि ट्री भी जो है दर्द में है पर वो हील कर लेगा. जैसे घाव जो होते हैं वो भर जाते हैं, हील मीन्स कि घाव का भरना या किसी चोट का ठीक होना, तो वैसे ही वो ब्लीडिंग बाग भी जो है हील हो जाएगी, अपने आप को ठीक कर लेगी. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड मीन्स जितना आपने उसे कट किया है, जितना आपने उसे धरती पे लाने की कोशिश की है, उतना ही वो धरती से फिर से उठेगा. विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, ठीक है, मतलब कि उसी धरती से फिर उठेंगे कर्ल्ड हल्के घुमावदार ग्रीन ट्विग्स. ट्विग्स मीन्स छोटी छोटी टहनियां. ठीक है, आपने देखा होगा छोटी छोटी हरे टहनियां जो होती हैं वो ब्राउन बाद में बनती है, जब बननी शुरू होती है मोस्टली ट्रीज की, पहले वो ग्रीन शेड की होती हैं, देन दे टर्न ब्राउन एंड देन लीव्स स्प्राउट ऑन देम. ठीक है, सो ट्विग्स उनको रेफर किया जा रहा है. मिनिएचर बोज, मिनिएचर इज सिनोनिम फॉर स्मॉल, बट मिनिएचर उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है कि बहुत ही छोटी सी. ठीक है, जो इतना बड़ा विशालकाय पेड़ है, सच अ ह्यूज ट्रीज आर देयर, उनके कंपैरिजन में जो उनमें बोज यानी कि जो झाड़ियों की तरह जो पत्ते निकल के आते हैं, ये ट्विग्स निकल के आएंगे, फिर कुछ खूब सारे पत्ते हो जाएंगे, उनको बो कहा जा रहा है यहाँ पे, झाड़ियों की तरह वो बोज जो है निकल आएंगे. विच इज अनचेक्ड, अनचेक्ड मीन्स अगर उन पे ध्यान ना दिया गया यानी उनको दोबारा कोई काटे ना, विल एक्सपैंड अगैन टू फॉर्मर साइज, फॉर्मर मीन्स प्रीवियस, एक्सपैंड अगेन बढ़ जाएंगी, सो वो फिर से बढ़ जाएंगी पहले ही साइज पे. सो सेकेंड पैराग्राफ में पोएट डिस्कस कर रहा है कि किस तरह से आप पेड़ को अगर पूरी तरह से काट भी देंगे, उसके ट्रंक को खत्म कर देंगे, तो दोबारा से वो कोशिश करके ग्रो कर जाएगा. सेम अप्लाइज टू पीपल हु हैव अ वेरी स्ट्रांग विल, जितना भी आप उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, जितना भी आप उन्हें जो है प्रोबेबली लेग पुलिंग से किसी तरह से आप वॉक डाउन करने की कोशिश करेंगे, दे विल अगेन ट्राई टू राइज अगेन. सो दैट इज व्हाट इज डिस्कस्ड. एज यू कैन कंसीडर द केस ऑफ मारिया आल्सो, व्हेन हर कलीग्स यूज्ड टू डिस्टर्ब ड्यूरिंग हर स्लीप. ओके, सो दिस इज ऑल इन द सेकंड पैराग्राफ. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन. नाउ द पोएट मेंशंस कि कैसे किल कर सकते हैं ट्री को, हाउ द ट्री इज एक्चुअली किल्ड. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out. Okay, so poet यहाँ कह रहा है कि root को pull out करना है हमें. Okay, we do not have to pull out the trunk or the leaves or the branches. Branches खत्म करोगे, leaves को हटाओगे, leaves तो अपने आप ही regrow करते हैं every year. So कहते हैं कि root को निकालना पड़ेगा, जड़ जहाँ से वो जो है बढ़ता है, जो उसका असली स्थान है, उसकी नींव हिलानी पड़ेगी, तो उसकी रूट को निकालना पड़ेगा आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. अर्थ को एंकर के तौर पे बताया जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, जैसे कि एंकर शिप्स के साथ काम करते हैं, उन्हें टाई करने का, उन्हें बांधने का, जैसे कि एंकर शोज के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वही स्तंभ होते हैं, पिलर्स होते हैं पूरे शो के,
सो एंकरिंग अर्थ का मतलब यहाँ पे पोएट का है कि उसको जगह देने वाला जो धरती है उस धरती में से निकालना पड़ेगा, उसके पिलर उसके सपोर्ट सिस्टम हमें खत्म करना पड़ेगा. इट इज टू बी रोप्ड, ट्रंक पे रस्सी बांधी जाती है, अच्छे से टाई किया जाता है एंड पुल्ड आउट और खींचा जाता है. और ये काम एक दो लोग नहीं कर पाते. अगर कोई अच्छे खासे ट्रंक वाला ट्री है तो इट हैज टू बी पुल्ड अवे विद द हेल्प ऑफ सम ट्रैक्टर और क्रेन, जेसीबी, इन चीजों की डिवाइसेस की हेल्प लेनी पड़ती है. टू और थ्री पर्संस कंबाइंड कैन नॉट पुल आउट अ ट्री आल्सो, स्नैप्ड आउट एकदम से निकाल करके रखना पड़ता है इसी तरीके से. सो दैट्स व्हाट इज मेनली इन दिस. एंड नाउ हियर इन द मेन पार्ट ऑफ द पोएम, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम, द पोएट नाउ सेज और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव. And the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. अब वो उसकी roots की बात कर रहा है. Tree जो हमें ऊपर इतना बड़ा दिखाई दे रहा था, वो इतना बड़ा ऊपर तभी हो पा रहा था कि उसकी roots उसे support कर रही थी. तो वो कह रहा है कि pulled out entirely, उसको completely snap out करके निकाल करके खींच करके निकालना पड़ेगा पूरी तरह से out from the earth cave. यहाँ अर्थ केव उसने डिनोट किया है उस अर्थ में जगह को जहां पे वो ट्री रहता है, उसको अर्थ केव के तौर पे पोएट ने बताया है. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और जो ट्री का स्ट्रेंथ है यानी कि उसकी जो रूट्स हैं वो एक्सपोज की जा रही हैं, बाहर निकाली जा रही है, उनको खत्म किया जा रहा है, उसकी जड़ों से ही उसको हिला दिया जा रहा है. द सोर्स वाइट एंड वेट, अगर आप रूट्स देखोगे किसी फ्रेशली अप्रूटेड ट्री की तो वो हल्की सी व्हाइट शेड दे रही होती है और गीली होती है क्योंकि वो मिट्टी में से निकला होता है ना. छोटा सा प्लांट भी अगर आप कोई अप्रूट करोगे किसी गार्डन में से किसी जगह में से, ठीक है, इवन घास को भी अगर आप अप्रूट करेंगे एकदम से खींच के निकाल दें उसकी जड़ के साथ, तो वो हल्का सा व्हाइट जैसे उसकी बूंद होती है इस तरह के ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं. और वेट यानी कि गीला होता है वो एकदम से सॉइल में होने की वजह से. द मोस्ट सेंसिटिव, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है. Hidden for years inside the earth. Roots बहुत sensitive है. अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ की जाए तो tree खत्म है. तभी तो हमने root से निकाला. So कहता है कि बहुत ही sensitive, जो कि कई सालों से उस earth के ही अंदर था. Now in the last paragraph the poet now says, then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. Okay? So अब वो कहता है कि जो matter है, ठीक है, यानी कि अब जो ये मेन केस है स्कॉचिंग एंड चोकिंग. अब नॉर्मल यहाँ पे हम डिस्कस करें तो क्या होता है, जब रूट को हम निकालते हैं तो उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं. जब कोई बहुत बड़ा ट्री है उसको हमने रूट से निकाला है तो उसको ऐसे ही नहीं ले जाया जाता, उसको पहले वहीं छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी जो जड़ें हैं ना वो सूख जाएं, ताकि अगर कहीं उसको दोबारा से लगा दिया गया तो फिर वो जगह पकड़ लेगा. गीली गीली मिट्टी में होता है ना, एक प्लांट आपने निकाला गीली गीली मिट्टी के साथ और उसको दोबारा से कहीं और लगा दिया तो वो चल जाता है. ओके, बट एक ट्री के केस में ऐसा कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट टू स्पेशली अगर उसकी रूट्स ही सुखा दी जाए. देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग. ओके, सो स्कॉचिंग एकदम तपती धूप में उसे सुखाना, चोकिंग उसका जो सांस लेने का प्रोसेस है वो ही बंद करना. अगर सॉइल से उसे न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे तो वो चोक कर जाएगा एकदम से, उसका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ट्री का वो रुक जाएगा. ओके, इन सन एंड एयर, धूप में और हवा में. सो वही धूप और हवा, वही सनलाइट, वही एयर जो उसे हेल्प करती थी वो अब उसे खत्म करने में मदद कर रही है. ओके, बिकॉज द स्टेट ऑफ द ट्री हैज चेंज्ड. ब्राउनिंग, हार्डनिंग, पहले धीरे धीरे रूट्स जो हैं डार्क ब्राउन होती हैं, फिर वो हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, घुमावदार हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और कुछ तो सूख के झड़ जाती हैं, विदरिंग, हल्का सा हाथ लगा और वो झड़नी झड़नी शुरू होगी अपने आप ही, एंड देन इट इज डन. और फिर कहीं जाके ट्री जो है किल होगा एंड देन वो डन होगा. सो द होल पोम प्रेजेंट्स द मेन आइडिया दैट a tree cannot be killed in a small simple process with just a jab of knife or just by hacking and chopping. One needs to uproot the roots from the earth cave.
Likewise, the poet represents the idea here. The theme is that if a person is strong-willed, then the person has to be stopped from somewhere within. उसका जो source है encouragement का वो खत्म किया जाए और वो भी पूरी तरह से खत्म किया जाए तो कहीं जाके वो person की strength खत्म हो सकती है. Otherwise, अगर कोई strong-willed है then that person cannot be stopped. So this is the hidden meaning in the poem. The direct meaning I have told you. I hope you have understood. Still, if there is any doubt, you can all contact me and ask. Take care of your health. Keep learning. Keep growing.